अच्छा नोटिस क्या करते हैं वो छोटी छोटी डिटेल्स, क्या ये बालों का कलर अच्छा लग रहा है, जूता अच्छा लग रहा है, नहीं 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 ये वाली तारीफ मुझे फर्क भी नहीं पड़ता, जूते कपड़े वाली तारीफ है मुझे, किस तरह की तारीफ चाहिए ये जो नोट करते हैं ना इन चीजें, ये वो चीजें हैं जो कभी किसी ने मेरे बारे में नोट ही नहीं की, जैसा कि यू नो आप मेरे बिहेवियर के बारे में, कि मुझे बड़ा अच्छा लगा तुम मेरी बात, सब कहीं जा रहे थे तो उन्होंने कहा मैं कैजुअल हूँ तुम भी इन्हीं कपड़ों में चलो, अब मैं कह सकती थी नहीं मैं तो चेंज करूंगी, जो बीवियां करती हैं बिल्कुल नहीं मैंने चेंज करना है मैंने बाल बनाने, इस पे झगड़े होते हैं एग्जैक्टली मैं ऐसी चप्पल पजामे में इन्होंने अपने रिश्तेदार के लेके जाना था, लेकिन जब मुझे मेरा शौहर कह रहा है कि तुम ऐसे पजामे कमीज में चलो और शॉल पहन लो ठीक है, मैं ऐसे उठी शॉल पहनी चली गई फर्स्ट टाइम जा रही थी वहां, मुझे मुंह दिखाई भी मिली, अच्छा तो असुरन कोई और औरत होती कहती मैं तैयार तो हो जाऊं, मैं करी जब मुझे ये कह रहे हैं ऐसे पजामा शर्ट में जाना है तो क्यों नहीं, तो मैं चली गई, तो मुझे कहते तुम्हारी बात मुझे इतनी अच्छी लगी कि तुमने कोई बहस नहीं की, तुम चल पड़ी वैसी चप्पलों में, मैंने कहा हाँ मतलब अगर आपको अच्छा लग रहा है दैट्स फाइन, तो आपकी नेचर से रिलेटेड वो चीजें नोट करते हैं और वो आपको अच्छा भी लगता है, तो मुझे इतना होता है कि मुझे मैं अक्सर सोचती थी मेरे अंदर क्या बुराइयां हैं जो घर में इतना अनरेस्ट है, मतलब खुशी कोई नहीं, पहले लगता था सोचती थी कि मुझ में क्या बुराई है, अभी मुझ में कोई तारीफ कोई मेरी अच्छी चीज मेरे पार्टनर को नजर ही नहीं आती, नजर ही नहीं आती क्या सब गलत है सब बुरा है क्यों सब कोलैप्स कर रहा है, लेकिन फैसल वो बातें नोट कर रहे हैं जो मुझे पता है सालों से मेरे अंदर थी, लेकिन मुझे कभी इन चीजों के लिए अप्रिशिएट नहीं किया गया, किसी ने कभी नहीं बताया, ब्लेम करते रही मैं अपनी ही बुराइयां ढूंढती रही इतने साल, लेकिन फैसल ने वो खूबसूरती और वो चीजें देखी और मैं हैरान होती हूँ कि मेरे अंदर था लेकिन वो नजरें नहीं थी सामने वाले की कि उसको नजर आता, उसके अंदर सिर्फ मेरी बुरे बुराइयां नजर आती कि मैं बुरी हूँ, लेकिन फैसल वो देखते हैं मेरा मिजाज मेरी से रिश्तों के अंदर बहुत चीज जरूरत होती है, हो सकता है मैं किसी के लिए बहुत बुरा हूँ लेकिन हो सकता है मैं किसी के लिए बहुत अच्छा हूँ, ये आपके पार्टनर के हाथ में होता है कि आपसे वो कैसे वो अच्छा निकलवाए ठीक है, तो ये चीजें बहुत जरूरी होती हैं, अगर आप खुद अच्छी ऑटोमेटिकली मेरे बिहेवियर अच्छाई आपके सामने आती है बिल्कुल बिल्कुल, और जब अच्छाई आए उसका इजहार करें उसको अप्रिशिएट करें और साथ लेके चलें, जैसे नादिया ने कहा कि ये छोटी छोटी चीजें ये आपस में दोस्ती करते हैं, चल यार आओ जरा चलते हैं ऐसे चलते हैं क्या हो गया करने exactly. तो वरना ये चीजों को बड़ा लाइट रखते हैं और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हुए हम आगे चलते हैं, हम सबसे ज्यादा कम एफर्ट अपने रिश्तों में मियां बीवी के रिश्ते में है, सबसे कम एफर्ट, बीवी भी फॉर ग्रांटेड ले रही है मियां भी फॉर ग्रांटेड चल रहा है, दोनों एक डेड रिलेशनशिप गुजार रहे हैं और उसको ठीक करें, ये आपका लॉस है आपके सबसे बड़ी हार है, आपके घर के बाद बड़ी गाड़ी खड़ी है आपका बैंक बैलेंस है आप खूबसूरत घर है किसी काम का नहीं, कि अगर आपके अंदर आपके रिश्ते में खूबसूरती और आपके पास सुकून नहीं है, बिल्कुल यही गल मैं तेन समझाना असल गल सुकून च अपना घर बसा ना मां दे इशारियां ते लग के अपना घर बर्बाद कर, मां मेरी चौंच बैठी छाले बंद कर दी कल नु को मसला होया ना बेवा तू होएगी तेरी मां दा कुछ नहीं जाएगा सारा तुसी उल्ट कर रहे हो मेनू बाद च समझा दे हर हफ्ते पेके जान दी गल्लां छड़ दे छड़ दे ऐदा घर आबाद नहीं हुंदे छड़ दे पेकियां दे जान दी गल उथे चार चार एसी लगे ने मेरे घर एसी दा बिल ज्यादा हुंदा इसलिए जाना मैं एडियां जड़ियां आगां लगियां तैनू उथे चार एसीयां दा बुझदियां तेरियां आ तेरी मां ने पहले भी दो पैण ऐदा झाड़ के बालियां उहनां दा की कीता ते तेरा उहनां ने की करना छड़ दे तलाकां मंगनियां अपनी बुड्ढी दे नाल गुजारा कर तलाक औरत मंगदी है बंदा नहीं मंगदा अपनी बुढ़ी दी तनखा च ना गुजारा कर ते तेरी जड़ी रोजी है हवाई है कदे लागी कदे ना लागी ताडे महल्ले च कोई 500 दा नोट लैके आवे ना उन्हें चार गार्ड फिरदे ने जिस गरीब इलाके च तू रहना तुहाडे को किसे को 600 होवे तुहाडे वर्गा वैसे नहीं हम ही भर दें नहीं अगले हफ्ते करांगे लेकिन पैसे पूरे जोड़ लो 1200 फिर आके डांस कर लांगे कोई नहीं फैसल भाई ये मुझे क्या पेंट करना चाहते हैं आप बताएं तो सही आप जैसे हैं बहुत अच्छे हैं थैंक यू लेकिन की नियत ठीक नहीं है मेरी गाल सुन अपनी ते अपनी बेगम दी इज्जत ना संभाल के रख तेरा काम है तलीज तो कदम बाहर ना रख ते अपनी सारीयां डिमांडा कर रह के पूरी करवा ना पुपी ना पुपी तू फोन सुन लेनी है हां सुन लेनी मेरी गाल क्यों नहीं सुनदी अच्छा खामद ओ हुंदा वा जेड़ा घरों बाहर ना निकले घर रह के किवें पैसे कमावे मजदूरी ना करे दिहाड़ी ना लावे बेगम नु कित्थों पालना तू बेगम नु नहीं पालना तेरी बेगम तेनु पालेगी ਉਹ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਾਲੇਗੀ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੂੰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਦੁਪੱਟਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਘਰ ਬੈ ਬਈ ਮੈਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਭਰਾਵਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵਸਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾ ਚਲਾਇਆ ਕਰ ਬੁੱਢੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਤੈਨੂੰ ਠੁੱਡੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਨਾ ਤੇ ਤੂੰ ਪੇਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ
ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹਰ ਗੱਲ ਮੰਨਾਂਗਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਭਰਾ ਗਿਆ। ਨਾਦੀਆ ਜੀ, एक बात तो मैं आपसे पूछ के रहूंगी, ये जो प्रपोज वाली कहानी है ना, किसने पहले प्रपोज किया, किस अंदाज में प्रपोज किया, अगर थोड़ा बहुत याद है तो हमें यहाँ पे प्रपोज करके दिखा दे। देखिए, जब कोई बीच में रिश्ते कराने वाली माई होती है ना जी, तो वो कभी प्रपोजल वाली स्टेज ही नहीं आती, डायरेक्ट बात वो पता ही होता है कि भैया बात ही कर रहे हैं। उन्होंने एक बार कहा था कि इंशाल्लाह अगर सब ठीक हो जाता है तो, मतलब ये वाली बात थी कि अगर शादी हो जाती है। अच्छा नादिया जी, हम प्रॉपर एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं, ये रिश्ते कराने वाली माई है। हां बिल्कुल, रिश्ते कराने वाली माई है। कौन दे ए तुसी ए दुपट्टा फाड़ और पहला रिश्ता देखने गई, चंगा लगया मुंडा अपना करा लिया, यानी कि अपने मुंडे का रिश्ता करा लिया। रिश्ते कराने वाली माई है जी। और फैसल जी, आपने उसी अंदाज में, अगर आपको याद है कि आपने क्या उस टाइम बोला था, वो वर्ड्स, वो बातें अगर थोड़ी सी याद है, तो आपने नादिया जी को उसी अंदाज में प्रपोज करने, या जो बातें उस वक्त हुई थी आप दोनों के दरमियान, जितना कुछ आप हमें बता सकते हैं वो आप रिकॉल कर सकते हैं जी। मुझे सब पता है आपने क्या क्या बोला था मुझसे, मैं चुप रह गई थी, आप खुद ही बोल दे। फैसल भाई, इन्हें ना तुम बोलो, देखियो ये सीरियस हो जाना है। हेलो नादिया, आपको आवाज आ रही है मेरी? अच्छा ऐसी बात जी। हाँ जी नादिया, आवाज आ रही है आपको जी? मेरे ख्याल में बातें तो बहुत हो चुकी हैं, आप कुछ काम की बात हो जाए जी, बताइए। मुझे लगता है कि शायद हम एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजार सकते हैं, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि विल यू मैरी मी? नहीं नहीं, इसका जवाब मैं आपको बताता हूँ, जवाब बड़ा ही ब्लंट आया था। क्या? और इसमें ये नहीं था कि रियली यू आर प्रपोजिंग मी, ऐसा कुछ नहीं था। बड़ा कैंडिड जवाब। इन्होंने स्ट्रेट ठक कर गया, उन्होंने कहा अगर बच्चों को और बड़ों को मंजूर हुआ तो फिर बात आगे बढ़ सकती है। अच्छा, ये डायलॉग तो नादिया जी खुद ही बोले, जिस स्टाइल में नादिया जी ने उस वक्त बोला था जी। फैसल राव, ये बिल्कुल हो सकता है, अगर बच्चे और आपकी अम्मी मेरे अब्बा राजी हो जाए, उनको कोई एतराज ना हो तो क्या मैं इसको हाँ समझू? मेरी तरफ से तो हाँ है, अभी बच्चे और बड़ों की हार है। चलो तो रिश्ता हो गया, मेरा 1500 दे, मैं तो जावा। 1500 तो मुक्की सी, दोनों पास में 600 आया तो 1200 ना हो गया। नहीं, 600 मेरा, 600 उन्होंने को ले लो रुपया पे, उन्होंने को फैसल साहब को 1800 रुपया लो, गल उन्होंने स्टार्ट की थी। फोन तो मेरा इस्तेमाल होया सी ना, 300 मेरा भी बैलेंस कटया गया, 1500 पूरा मैं लेके जाना। ਇਹਨੇ ਲੈਣਾ ਵਾ 1500, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਧਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ 1500 ਲੈਣਾ ਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਸ਼ਾਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ 1500 ਰੁਪਏ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੜਾ ਸਸਤਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਸਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾ ਨਾਦੀਆ ਜੀ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਪੈਸੇ ਪੱਲੋਂ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾਓ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਪਾੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਲੇ। ਅੱਛਾ, ਦੁਪੱਟਾ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲੈ, ਤੇੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਨੇ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁੱਛ ਖਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇਰੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਖਿੱਚਦਾ ਨਾ ਮੁੱਛਾਣਾ। ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਦੁਪੱਟਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਭਾਬੀ ਕੋਲੋਂ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ ਕੋਈ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਭੈਣਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੋ ਜੀ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਆਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇਗਾ, ਆਪ ਲੈਣ ਜਾਏਗਾ, ਆਪ ਹੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਨੇ ਦੁੱਧ ਲਏਗਾ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਭਾਂਡਾ ਕੱਢ ਕੇ ਐ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਭਾਬੀ ਦਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਅਦਬ ਕਰਦਾ, ਕਦੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਬਾਕੀ ਔਰਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੱਪੂ ਦੇ ਅੱਬਾ ਜ਼ਰਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੱਪੂ ਦੀ ਅੰਮੀ ਜ਼ਰਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ। ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ। ਘਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੇਖਣ ਆਏ ਨਾ, ਤੇ ਚਾਹ ਵਾਲੀ ਟਰਾਲੀ ਇਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਮਹਿਮਾਨੋ ਸੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਟਸ ਟਾਈਮ ਫਾਰ ਅ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ, ਵੀਲ ਬੀ ਰਾਈਟ ਬੈਕ ਆਫਟਰ ਦ ਬ੍ਰੇਕ, ਕੀਪ ਵਾਚਿੰਗ ਤਾਰੋ ਸੇ ਕਰੇਂ ਬਾਤੇਂ।